वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए 150 ग्राम लौकी लिए, जिसे मैंने छीलकर ग्रेट कर लिए। इस ग्रेटेड लौकी को हम इस तरह से लेकर दबाकर पूरा पानी स्क्वीज कर लेंगे। पूरा पानी निकालना है हमें। ये पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ग्रेवी में डालकर यूज़ करेंगे। ये इसमें बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं, इसलिए हम ये बाहर नहीं फेंकेंगे। इस तरह से स्क्वेज कर मैं एक बाउल में ले लेती हूँ। मैंने लौकी में से पानी इस तरह से अच्छे से स्क्वेज कर लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। बेसन डाल देती हूँ, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे बेसन। पहले एक स्पून डाला है और इसमें अभी डालूंगी नमक। नमक आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिए, और ये ग्रेटेड जिंजर। इससे कोफ्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी इन सबको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से हाथों से, इस तरह से। हमारे ये लौकी के कोफ्ते के बैटर इस तरह से हैं। ये थोड़ा गीला है तो मैं इसमें और थोड़ा बेसन डाल रही हूँ। पहले एक स्पून डाला था, अभी और लगभग एक स्पून डाल देती हूँ। फिर से मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरह से। अभी हम इसे इस तरह से करके देख लेंगे। ये अच्छे से कोफ्ते का शेप ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है आपका तो और आप बेसन डाल सकते हो। अब मैं इसके गोल शेप देकर इस तरह से कोफ्ते बना लेती हूँ। आप गोल, सिलेंडर, ओवल शेप, कैसे भी, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे आप बना सकते हो। इस तरह से बनाकर मैं कॉर्नफ्लोर में इसे ऐसे रोल करूँगी। इस तरह से कॉर्नफ्लोर में लपेट कर प्लेट में ले लेती हूँ। सारे कोफ्ते इसी तरह से बनाऊँगी। अब छोटे बड़े आपके इच्छा के अनुसार बनाइए इस तरह से। फिर इसे कॉर्नफ्लोर में लपेट कर रख लेती हूँ साइड में। मैं कोफ्ते बना लिए इस तरह से और कॉर्नफ्लोर रोल कर दिया है, और साइड में कढ़ाई में तेल भी गर्म होने रख दिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे, फुल फ्लेम पर नहीं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इन सब कोफ्तों को तल लेती हूँ। फ्लेम फुल नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे हम। हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, अच्छा कलर चेंज हो गया इस तरह से लाइट ब्राउन। फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब हम कोफ्ता के ग्रेवी के लिए मसाला बना लेते हैं। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें मैं लहसुन और ग्रीन चिली लूँगी। 3 से 4 लहसुन की कली ली है और 2 हरी मिर्च। हल्का सा कलर चेंज हो जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इनका कच्चापन भी निकल जाएगा तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं डालती हूँ एक अनियन, जिसे मैंने बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है। अनियन हल्का सा पिंक हो जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ओवर कुक नहीं करना है इसे। ऑनियन ट्रांसप्लांट हो गए हैं। अब मैं इसे टोमेटो डाल देती हूँ। एक टोमेटो लिया है मैंने। अब मैं इसमें काजू डाल देती हूँ। 6 से 8 काजू लिए हैं।
काजू सॉफ्ट हो जाए और टोमेटो मैजी हो जाए जब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें मैं 1/4 स्पून नमक डाल रही हूँ ताकि टोमेटो जल्दी पक जाएंगे। काजू सॉफ्ट हो गए हैं और टोमेटो भी थोड़े मैसी हो गए हैं, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसे पीसेंगे। अब हमारा ये मसाला ठंडा हो गया है, मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो उसकी जगह पे आप कैबेज यूज़ कर सकते हो, उससे भी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अभी इस तरह से मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है, बिना पानी डाले मैंने पीसा है। अब मैं ये ग्रेवी फ्राई कर लेती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने 2 स्पून घी लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें डालूंगी 1/4 स्पून जीरा और 1 तेज पत्ता, 2 लविंग और 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये अच्छे फ्राई हो जाए उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी एक ग्रेवी। फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, नमक 1/2 स्पून और 1/2 स्पून धनिया जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हला लेती हूँ। साइड से तेल निकलने लगा है, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे पक गए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ये लौकी का स्क्वीज किया हुआ पानी। हला लेती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला और दही। जैसे हलाऊंगी दही डालने के बाद अगर आपकी ग्रेवी मोटी है तो थोड़ा पानी डाल सकते हो आप, मेरी ग्रेवी परफेक्ट है, मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। हमारी ग्रेवी अच्छी पक गई है, ऑयल आ गया है ऊपर थोड़ा थोड़ा। अब मैं ये कोफ्ते इसमें डाल देती हूँ। कोफ्ते डालकर मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैं इसमें फाइनली हरा धनिया डाल देती हूँ। गैस ऑफ कर लेते हैं। हमारी ये लौकी के कोफ्ते करी बनकर रेडी हो गई है। ये हमारे लौकी के कोफ्ता रेडी हो गए हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए और आपका अनुभव मेरा चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।